The question is find the coefficient of a raised to the power 5 into b raised to the power 7 in a minus 2b total raised to the power 12. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट को शेयर कर देता हूं कि इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर आपके पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, मान के चलिए आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई टोटल रेज टू द पावर एन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आपने इतना तो पढ़ा होगा कि इन केस अगर आपको इसका जनरल टर्म रिक्वायर्ड है तो इसका जनरल टर्म होता है टी आर प्लस वन विच इज योर एन सी आर एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर और वाई रेस टू द पावर आर के, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें डाटा थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप अपने क्वेश्चन के डाटा को चेक करेंगे तो आपको क्वेश्चन दे रखा है ए माइनस टू बी टोटल रेस टू द पावर 12, और इन केस अगर मैं इस एक्सप्रेशन के जनरल टर्म पे कमेंट करूं जो कि टी आर प्लस वन टर्म है, इसकी वैल्यू होगी 12 सी आर। सबसे पहले तो एन को आपको 12 से रिप्लेस करना है, एक्स को आपको रिप्लेस करना है ए से, तो ये बनेगा ए रेस टू द पावर 12 माइनस आर, और उसके बाद वाई को आपको रिप्लेस करना है माइनस टू बी से, तो ये बनेगा माइनस टू बी एंड टोटल रेस टू द पावर आर के। इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं, अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म जनरेट होगा 12 सी आर। पहले टर्म को लिख सकते हैं ए रेस टू द पावर 12 माइनस आर, इसके बाद आप देख सकते हैं माइनस टू रेस टू द पावर आर और बी रेस टू द पावर आर के। अब हमें चेक करना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ए की पावर 5 इंटू बी रेस टू द पावर 7 का कोफिशियंट निकालना है, मतलब ये जो ए है इसकी पावर तो जनरेट होनी चाहिए 5 और ये जो बी है इसकी पावर जनरेट होनी चाहिए 7। तो एक ऑप्शन नजर आ रहा है कि आप ये जो आर आपको नजर आ रहा है इसको आप डायरेक्टली 7 से रिप्लेस कर दें, और आप देख सकते हैं कि इन केस अगर मैं आर को 7 से रिप्लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पावर है ये 5 में आपकी कन्वर्ट हो जा रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये फिर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाता है कि आपको पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां आर है उसको 7 से रिप्लेस करना है। जैसे आप आर को 7 से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा टी 7 प्लस 1, जिसको आप एक्सप्रेशन का 8वां टर्म भी क्लेम कर सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 12 सी 7 ए रेस टू द पावर 12 माइनस 7 माइनस टू रेस टू द पावर माइनस टू रेस टू द पावर 7 और बी रेस टू द पावर 7 के। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो आपको डिमांड किया गया है वो है कोफिशियंट ऑफ दिस डाटा, मतलब इस डाटा का कोफिशियंट आपको निकालना है ना। ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 7 के साथ जो टर्म आ रहा है इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आप इसे लिख सकते हैं 12 सी 7 माइनस टू रेस टू द पावर 7, इसके बाद ए रेस टू द पावर 5 और बी रेस टू द पावर 7 के। अब आप देख सकते हैं कि इनकेस अगर आपको ए की पावर 5 और बी रेस टू द पावर 7 का कोफिशियंट रिक्वायर्ड है तो आप क्लेम कर सकते हैं योर आंसर इज, या फिर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, द कोफिशियंट ऑफ ए रेस टू द पावर 5 इंटू बी रेस टू द पावर 7 इज 12 सी 7 इंटू माइनस टू रेस टू द पावर 7 के। अब अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसी एक्सप्रेशन में भी अपने आंसर को लिख देते हैं देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द सॉल्यूशन।